दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉलेज स्टोरिया डॉट इन। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in एंड फॉर मोर कॉन्टैक्ट डिटेल यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस एकेडमी जेई में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का। और इस वीडियो में इस कॉलेज का फुल एंट्री रिव्यू करके बताने वाला हूं आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को इस लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंपस से। दोस्तों कैंपस 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, बैंगलोर कर्नाटक का इंस्टीट्यूट है। आपको प्राइवेट कॉलेज है और नॉन ऑटोनोमस है, एफिलिएटेड है BTU से, AICTE NBF से अप्रूव्ड है, NAC से ग्रेड B+ मिला हुआ है, 36 का कैंपस है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कैंपस भी नहीं है, छोटा कैंपस है, ठीक ठाक कैंपस है। ठीक है, ठीक ठाक एरिया आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सब कुछ, लाइब्रेरी, लैब्स, ऑडिटोरियम, जिम मिल जाता है, कैफेटेरिया मिलता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल और हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज है, शटल सर्विस है और साथ में वाईफाई भी मिल जाता है कैंपस के अंदर। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, ये उनका कुछ पिक्चर्स रहा कैंपस का। तो मुझे इसका पर्सनली कैंपस उतना अच्छा लगा नहीं, एरिया है उनके पास बड़ा बट उन्होंने इतना अच्छा कैंपस बना के रखा नहीं है। ठीक है, मुझे आप बताइएगा इनका वर्चुअल टूर और पिक्चर वीडियो वगैरह देखने के बाद, डिटेल्ड कैंपस टूर लेने के बाद, कि आपको ऐसा कैंपस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। तो उसको अभी तक NRF रैंकिंग नहीं मिली है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अभी तक उसको कोई NRF रैंकिंग नहीं मिली है। देखते आने वाले दिनों में मिलती है नहीं मिलती है। कोर्सेज तो कौन से है, तो कोर्सेज आप यहाँ से BE कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BE के लिए, अगर आप इसमें कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना होगा, तो 10+2 पास होना चाहिए PCM के साथ आपको, और मेन सब्जेक्ट आपको PCM होना चाहिए, जिसमें आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए PCM में। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट मार्क्स तीनों सब्जेक्ट मिला के 45% है तभी आप इसमें एलिजिबल है, अगर 45% से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। 45% होना चाहिए या फिर 45% से ज्यादा होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल है इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, एडमिशन कैसे कैसे आप इस कॉलेज में ले सकते हैं, तो कॉमेडी के थ्रू जा सकते हैं, के स्टेट थ्रू जा सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कॉमेडी के उन बच्चों के लिए जो कर्नाटक के हैं और कर्नाटक से बाहर के हैं, और के सीटी उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल कर्नाटक से है। ठीक है, जिन्होंने 10th और 12th अपना कर्नाटक से किया है उनके लिए के सीटी है। और अगर इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप नहीं जाना चाहते, अगर आपने इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को दिया है और आपका अच्छा रैंक नहीं आया है, आप सेंट्रल ब्रांच नहीं पा रहे, और अगर आपने इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को खो दिया, नहीं दिया है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में एडमिशन दिलवा देंगे, तो सब कुछ फीस प्रोसीजर वगैरह सब कुछ बात कर लीजिएगा उनसे। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब बात करते हैं स्ट्रीम को कौन से मिलते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ AI एंड ML स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारे स्ट्रीम्स आपके पास मिलता है, इसमें से कोई भी आपको जो भी प्रॉफिट स्ट्रीम होगा या फिर जो भी आपका रैंक हिसाब से मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस का 180 सीट्स है, ISE का 120 सीट्स है, ECE का 120 सीट्स है और CSE का AI एंड ML के स्पेशलाइजेशन के साथ 120 सीट्स है। इन्हीं सीट्स पे डिविजन होता है कॉमेडी के KSET और डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चों का, इन्हीं सीट्स पे सभी का एडमिशन होता है। ठीक है, बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल आपको गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों आपको कैंपस में मिला है। ठीक है, कैंपस के अंदर में रहता है। सबसे बुरी चीज मुझे इस कॉलेज की लगी कि इस कॉलेज पे कोई भी डिटेल्ड चीज जो है वो नहीं दी गई है, कोई भी फीस हॉस्टल वगैरह के बारे में डिटेल नहीं बताया गया, इवन प्लेसमेंट के बारे में भी नहीं बताया गया। तो ये मुझे इस कॉलेज के बारे में सबसे बुरी चीज लगी, इसलिए मैं इस कॉलेज का आपको हॉस्टल वगैरह का ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि इसका हॉस्टल बॉय हॉस्टल और हॉस्टल दोनों कैंपस के अंदर में। ठीक है, तो हॉस्टल आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, बट फूड का मैं अगर रिव्यू देता हूँ, फूड उतना अच्छा नहीं है, मैंने देखा रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू में लिखा गया है कि हॉस्टल क्वालिटी, फैसिलिटी सब ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब
एवरेज है, बट जो फूड है इज नॉट गुड, ठीक है। तो फूड उतना अच्छा नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देखिए आप हॉस्टल चूज कीजिएगा। कटो को बात करते हैं कॉमेडी का, लास्ट ईयर कटो बात करेंगे क्लोजिंग रैंक। तो कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 42,102 पे, आईसी क्लोज हुआ था 31,741 पे, ईसी क्लोज हुआ था 35,570 पे, एएनडीएस को क्लोज हुआ था 43,276 पे। तो ये हुआ हमारे सारे ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक। आप देख सकते हैं इसमें से जो भी आपको ब्रांच प्रेफर्ड हुआ उसका कटअप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपको कितना रैंक आया उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इसमें इस कॉलेज में आपका प्रेफर्ड ब्रांच मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं फीस के बारे में। तो देखिए अभी इस कॉलेज का इस ईयर का फी तो नहीं आया है। देखिए मैंने बताया ऐसा कि इस कॉलेज के वेबसाइट पे कुछ डिटेल दिया ही नहीं गया अच्छे से, मुझे बहुत बुरी चीज लगी। फीस के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है और कॉमेडी का भी फी स्ट्रक्चर नहीं आया है। तो कॉमेडी का फी स्ट्रक्चर आएगा इस साल, तो हम देखेंगे इस साल का फी क्या रहता है और आप खुद भी अनुमान लगा लीजिएगा, खुद भी एक्सपेंडिचर निकाल लीजिएगा, ठीक है। बट जो पिछले ईयर के हिसाब से जो फी रहता है वो अप्रोक्सीमेटली रह सकता है 2.10 लाख पर मंथ, ठीक है। अगर बढ़ेगा भी तो 2.3-2.5 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि हमारा एकेडमिक फी होने वाला है 2.10 लाख पर एनम। अब बात करते हैं हॉस्टल एडमिशन फी के बारे में, मतलब अकोमोडेशन फी के बारे में। तो वो मैंने रिसर्च किया तो वो लगभग आपको 90,000 रुपीज लगता है पर ईयर, ठीक है। तो आप अगर कर्नाटक के बच्चे हैं तो आपके लिए 80,000 लगता है, और कर्नाटक से बाहर के हैं तो आपके लिए 90,000 लगता है, ठीक है, 90,000 लगता है। तो ये थोड़ा वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, अकेडमिक फी और अकोमोडेशन फी दोनों को ऐड करके 4 साल का एक्सपेंडिचर निकालेगा तो आपका आता है 12 लाख, ठीक है। तो अगर हम इस फी को कंसिडर करके चले, वैसे डिपेंड करता है कि आगे फी बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है जो इस ईयर का फी आएगा वो, तो इस फी को अगर हम कंसिडर करके चले तो अफोर्डेबल फी है, ठीक ठाक फी है, इतना फी नॉर्मल किसी भी प्राइवेट कॉलेज का बैंगलोर में रहता है। तो ठीक ठाक है, फी पे मैं नहीं बोलूंगा, फी बहुत अच्छा है, ठीक है, अफोर्डेबल फी। बात करते हैं आप प्लेसमेंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट एक चीज आप प्लेसमेंट के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज ध्यान देता हूँ कि इसका डिटेल जो है डिटेल्ड नहीं दिया गया है, सिर्फ इनके पास इनका कुछ कुछ डेटा है, मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज, ये मैं आउटसोर्स डेटा से उठाया हूँ और बाहर के सोर्स से उठाया हूँ उसको, तो इसको हम सही मान के नहीं सकते, इस पे हम भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक डेटा के लिए देख लेते हैं, ठीक है, बस मैं आपको बच्चे का रिव्यू भी दे दूंगा। हाईएस्ट पैकेज बात की जाए तो हाईएस्ट पैकेज 27 लाख पर एनम है, एवरेज पैकेज 5.5 लाख पर एनम। देखिए मैं अगर रिव्यू दूं बच्चों का, अगर मैंने जो रिव्यू देखा है, रिव्यू लिया है मैंने बच्चों से, बच्चे क्या बोलते हैं कि बीटेक के लिए प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बीटेक के लिए मतलब एवरेज टू बैड कह सकते हैं, ठीक है, बैड पुअर टू एवरेज कह सकते हैं आप। बट जो एमबीए है उनके लिए अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज बेटर है, बट अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं अभी अभी फाइनल रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनल ओपिनियन में अभी लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो ये ओवर हुआ हमारा जो बाहर के सोर्स से मुझे मिला वो उसके हिसाब से, क्योंकि इनके वेबसाइट पे ये सब नहीं दिया गया, ठीक है। बात करते हैं, मैं 2020 का बात कर रहा हूँ, डेटा 2020 का ही मिला है। ये डेटा जो है इनके वेबसाइट पे दिया गया, क्या है, 100+ कॉर्पोरेट पार्टनर्स, 10+ कॉर्पोरेट पार्टनर्स, 100+ इंटर्नशिप कंपनीज, 500+ प्लेसमेंट इन अ ईयर, ठीक है, 1500+ यूजी डिस्टिंक्शंस, 300+ पीजी डिस्टिंक्शन, प्लस रिसर्च पेपर्स, प्लस 12+ टेक्निकल फेस्ट, 150+ सेमिनार इन पास्ट ईयर्स। अगर इन्होंने ये डेटा दे रखा है तो इन्होंने दिखाया क्यों नहीं, ठीक है। अगर आपने ये डेटा दे रखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉन वास्को वालों कि आप अपना डेटा जो है वो क्लियरली अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। तो प्लीज अगर हो सके तो आने वाले दिनों में आप अपना डेटा अपलोड कर दें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है, बच्चों में कन्फ्यूजन क्लियर करता है कि आपका कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें क्लियर नहीं होता है कि हम इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये चीज जब इस डेटा को दिखाया गया यहाँ पे, तो इस डेटा को अपलोड भी किया जा सकता है डिटेल में कि कैसा कैसा प्लेसमेंट रहा, कितने कंपनी में कौन सा हुआ, वगैरह वगैरह सब, जैसे बाकी सारे अच्छे अच्छे कॉलेज में होते हैं। सो हम इसे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए, बाकी आने वाले दिनों में देखेंगे हम। देखो ये सारे इनके स्टार इक्विटर्स जैसे आप देख सकते हैं, अमेजन है, आईबीएम, फ्लिपकार्ट है, कैपजेमिनी, ये सब है। तो पता नहीं इसमें अमेजन वगैरह आता है या फिर नहीं आता, इन्फोसिस वगैरह आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि इन्होंने बस दिखा रखा है, ठीक है। ये भी मैंने बाहर के सोर्स से लिया है, ये भी उनका जो है स्टार इक्विटर्स सारा, वो भी वेबसाइट उनका पेज नहीं खुल रहा है। सो बहुत यहाँ पे झोल झाल है, मैं बोलूंगा बहुत यहाँ पे लीपापोती चल रही है। तो अगर मुझसे आप मुझसे मेरे आप ओपिनियन लीजिएगा कि मैं इस कॉलेज का मैं क्या बोलना चाहूंगा कि आपको ये कॉलेज एडमिशन लेने के लिए वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए वर्थ इट होगा, क्योंकि एक लोपल लिपापोती करने वाली कॉलेज मुझे दिख रही है, लिपापोती किया जा रहा है आपको, वैसे जिस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है,
ठीक है, जिस रैम का आपको देखिए, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लेसमेंट लगेगा, बट वही कि पैकेज लो रहेगा, फिर आपको कम ऑफर्स आएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है बेसिकली, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं लगता है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैकेज कम हो सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। तो जिस कट ऑफ पे आपको ये मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपको बहुत नीचे का रैंक आया है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं, वरना ऐसा अगर मैं कट ऑफ को दूर रखूं और अगर आपके रैंक को दूर रखूं, तो ओवरऑल ये उतना कॉलेज वर्थ इट नहीं होगा। सो दैट्स विल बी माय ओपिनियन। देखना पड़ेगा कि आपको रैंक इतना है, आपका रैंक और कोई बेटर ऑप्शन है तो ठीक है, वरना फिर ये कॉलेज रख सकते हैं आप ऑप्शन में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप इस कॉलेज के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इस कॉलेज को लेकर सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं, मैं उस कॉलेज में रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।